नमस्कार, तहसील सोई में आपका बहुत स्वागत है। आज हम सिखाएंगे आपको तवे पर पिज्जा कैसे बनाना। तवा पिज्जे के लिए ये हमने एक कटोरी मैदे की ली है और ये इसका चौथा हिस्सा आटा लिया। मैं इसमें 2 चम्मच दही का डाल लूंगी। और 1 चम्मच ये 1 चम्मच मैंने चीनी का डाला, इसमें पिसी हुई चीनी है। ये 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा और ये 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर डाला मैंने इसमें। थोड़ा सा इसमें नमक डालना, इसमें 1/2 चम्मच। अब मैं इसको आटा बना के रखूंगी। मैं इसको 1.5 घंटा रेस्ट दूंगी। अगर दोस्तों आपको जल्दी नहीं आता, पहले इसका ईस्ट का भी आटा बन सकता है अगर आपको टाइम हो तो। अगर आपको जल्दी हो तो बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा से आसानी से बन जाएगा। बहुत ही नरम आटा गुनेगा इसका। इसका आटा लगा के हम अपनी सब्जियां तैयार करेंगे। तवा पिज्जे के लिए हमने कुछ सब्जियां ली हैं। ये देखना, इसका आटा इतना नरम गुनेगा, बिल्कुल ही नरम। इसको ऐसे कैसे हम एक बर्तन में रख देंगे। अब हम इसको 1.5 घंटा रेस्ट देंगे। इतना हम अपनी सब्जियां तैयार करेंगे। इस सब्जियों में हमने ज़्यादा कुछ नहीं लिया है। ज़्यादा शिमला मिर्च है, 1 टमाटर है और 1 प्याज है। ये थोड़ा सा पनीर है, ये आपके ऑप्शनल है। अगर आपके पास हो तो डालिए, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है। और आप अपनी मर्जी से कोई भी सब्जी डाल सकते हैं। पिज्जा के लिए हम सॉस बनाएंगे। तेल गर्म हो गया, प्याज डाल लेंगे, थोड़ा सा गार्लिक है डाल लेंगे इसमें। ये क्योंकि प्योरी है, ये मैंने मिक्सी में पीस कर और छान कर बनाई है। अब हम इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे। ये 1 चम्मच चीनी डाली, 1/2 चम्मच नमक डालो। इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा ओरिगानो डाल लेंगे। ये 1 चम्मच इसमें मैं सिरका डालूंगी। सॉस चाहे आप बाहर से ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको घर पे बना कर खाऊंगी। ये हमारा सॉस तैयार है। अब एक कटोरी में निकालेंगे इसको। ये सब्जी रोस्ट करने के लिए थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ मैं इसमें। ये इसमें सब्जी डालूंगी।
लूटेंगे और फिर इस पर सब्जियां डाल लेंगे।